अंदर खरी की करी जांदा बैठा। टोनी टोनी ओ परवीन। हां जी ओ जाई यार, मम्मी की कहंदी है हुन? क्या ही गल, मेरी गल सुनो, आपदा आपदा की सुन लो की कहंदे नेगे, नाले तुम्हें पता तो हैगा मम्मी दा मेनु किवें वड खाना वाले वांगू पैंदे रहंदे ने। ओ मेरी मां केड़ा पागल है भी तेनु वड खाना वाले वांगू पैण लग जू, तू जा ता एक बारी सुनता भी की गल है। मैं इथों नहीं जाया जांदा, जे जाना आपदा आप जाए, कम करनी है मैं तो। बोलदा ही नहीं टोनी, बेपत टोनी। एक तो ना है मुंडा सारी दिहाड़ी कमरे च बेला बैठा, पता नहीं की करदा रहिंदा की नहीं। ओहो जही इहदी जनानी है जिहड़ी नूं टिकणे नहीं दिंदी, अंदर बैठा के खोरे तो की चरखा कताउंदी है। टोनी वे आ जा हुण, गल भी सुन लिया कर मां दी। हाँ देख लै, भी आवाजा मारतियां है दोहां नूं असर, वे मां साडी आवाजा मारदी है, खोरे की अंदर घुसर मुसर करी जांदे ने। वे टोनी ओ आ गया मम्मी। आ गया दिया लग दिया। ओ की हो गया सवेरे सवेरे? लै होना की है, अज तरीक किन्नी है? 15 तरीक है, कोई खास दिन है? खास दिया लग दिया, जमीन दा ठेका लियाना जीते कोलो। भुल मैं तो भुल ही गया सी। आहो मां दियां गल्लां तैनू भुलदियां, अपनी तीमी दियां नहीं भुलदियां, जे सुरखी बिंदी नूं कह देवे ना आथणे हाजिर हो जांदी है। ओ कोई ना मम्मी ले आउणा उहदे कोल, मैं जा आउणा अज। जाया नाले जे 3-5 करूगा ना मैनू फोन ते गल करवा दी मेरे नाल, मैं उहनू दउतने सरी चंगी तरह फिर। चल कोई ना मैं जाके ले आऊं आउंदा आउंदा, जे कोई होर गल हैगी तां दस दे, बस इही गल सी। इही गल सी हां, सच नाले तेरी नौकरी दा की बणिया? हां चली जांदा मम्मी काम। चल कोई नहीं, आपां नूं केड़ा पुत किसी गल दी घाट है, अजे पंचायतां जिहियां ना हुंदियां जां पंचायत चज दी हुंदी मैं तैनूं कदी वेला ना रहण दिंदी, हुण नूं तां तेरी कदों दी नौकरी लगी होणी सी। चीज दी तां घाट है नहीं मम्मी, पर परवीन सच कहिंदी है, जे बंदा आप कमाउंदा होवे ना किसे मूहरे हथ नहीं उड्डने पैंदे। किसे दा की मतलब, मैं को बगानी आ ना, जवाक तां अपने मां प्यो तों हक नाल खर्चा मंगदे ने ते तुसीं मैनूं बगानी करता ना। परवीन बहुत गल्लां करन लग पई अज कल। ओ नहीं नहीं इहो जी गल नहीं मम्मी, मैं तां वैसे ही कहा तैनूं। आहो कहा तूं वैसे, मैं सब जानदी आ, जे जा हुंदा ठीक आ जमीन दा ठेका लैण, नहीं मैं अनमोल नूं कह दिंदी आ मैं ते अनमोल जांदे आ। कोई ना मैं जाना अज, जाया मैं तां। जाया कोई ना, लै के आऊगा पैसे। लै के आई अड़ जाई उत्थे। चल भाई सानूं अज्जे कदे खड़ा के दे। कोई ना मैं कर दऊंगा ना जाके गल। ठीक है ठीक है, बड़ा ही कम टालू होई जांदा। ओ परवीन दी एक गल नहीं टालदा, एक कहंदी है चार करके दिंदा, मां मां दी तां गल सुनदा ही नहीं, अखे दिमाग चो निकल गया है। जमीन उहनूं दित्ती होई है, असीं को भीख नहीं मंगदे। आया बड्डा, अपनी हक हलाल दी कमाई लैणी आ। हे सच्चे पातशाह वाहिगुरु, अज ना उहनां दी नौकरी दा बन जाए कितना किते। सारा दिन रोई जाया कर, किहदे अगे हथ जोड़ी जांदी आ। ओह तां मम्मी जी मैं वाहिगुरु अगे अरदास करदी सी ਵੀ ਅਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਬੰਚ ਵੀ ਨੀ। ਬਸ ਕਰ, ਬਥੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਕੋਲ, ਮਾਲਕ ਹੈ ਮਾਲਕ 26 ਕਿਲਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਰੋਈ ਜਾਨੀ, ਭੁੱਖੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ? ਗੱਲ ਮੰਮੀ ਜੀ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਵਿਹਲਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਘਰੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ ਵਿਹਲਾ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਭੁੱਖੀ ਮਰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੈ? ਚੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਚੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੰਮੀ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਘਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ? ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਗਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਾੜੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਕਰਨੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅਕਲਾ ਦਿੰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਬਥੇਰੀ ਮੇਰੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਈ ਵੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਲੈ ਕਰਮ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰਨਾ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ? ਮੇਰੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ,
मेरे पुत नूं आ ताने मीणे देने बंद कर दे। मेरा पुत तेरे पेकियां तों नहीं कुछ मंगण जांदा। चलो ठीक है मम्मी जी, जिवें तुहानूं सही लगे। हाँ इत्थे आ, जे अगे वास्ते मेरे पुत नूं नौकरी वास्ते कहा ना, मेरे तों बुरा कोई नहीं। नाले ना सारे काम करके छेती देनी बाहर आ जा, बहुत काम करन वाले पए ने बाहर भी। ठीक है मम्मी जी। कपड़े धोन वाले पए ने, जल्दी आ जा, सारी दिहाड़ी इत्थे गैस दी सफाई करन ना ला दी। चंगा ठीक है, रहन दे मन। मम्मी जी नाल ता ना कोई नहीं जित सकदा। मैनू ये समझ नहीं आती इन्हां नूं अपने पैसे दा इन्ना हंकार क्यों आ। मैनूं तां कुछ समझ नहीं आ रहा की करां की ना करां, सोच सोच के दिमाग फटन हो रहा। एक तो ना आ मम्मी नहीं इन्हां नूं नौकरी ते लगन देंदे हैगे, इन्हां नूं कोई पुछण वाला होवे वी चल अज तां दोनों भरा कट्ठे ने ते ठेका जमीन दा आप लै लैंदे ने, कल कर उन्होंने जो वंडिया पै गई दोनों च तो कितने घर की पूरी पेगी, किमें असं घर का खर्चा चलावे। मसा मसा उन्होंने मैं नौकरी लिए राजी कर दी, आप मिनट ला दें उन्होंने अपन गलों च लैन ली। हे रब्बा तू ही मैनू कोई राह दिखा दे जिदे करके इन्ह दोहों पैसों की तो घट्टो घट समझ आ जाए, पैसे की तो कदर कर ये पागल बनी पी। की गल भाभी कली बोली जानी है की दसा अनमोल, मैं तो ना बहुत टेंशन हो जाती है तेरे वीरे की। क्यों की गल हो गई? अज तो तेरा वीरा वैसे नौकरी की तलाश च गया गा। लै ये तो फिर बड़ी वधिया गल है, मम्मी ने किवें जान देता वीरे नूं अज? मम्मी ने जान दिता, वो तो रिश्तेदार ने कहा तां भेजता। नाले वैसे तेनूं लगता अनमोल भी मम्मी उन्हूं टिक्के नौकरी करन दे देणगे? ओही तां गल है भाभी, मेरी गल सुन आना, मम्मी ने उन्हूं बाला सिर चढ़ा रखिया वड्डे नूं, कोई ना आ जाते मैं गल करूंगा भी बई आए नहीं सरना, नौकरी तो तेनू करनी पेगी। अनमोल तू मेरे साथ देंगे? मैं भाभी तेरे नाल हाँ, तू टेंशन ना ले इस किसी गल की। चल शुक्र है, मैं तो ऐ लगता भी मम्मी ने तुम दोनों ही अपनी साइड कर रखा। कोई ना भाभी उन्होंने भी हौली हौली अकल आ जूगी, बाकी आप करते हैं बई आ जाते घर की कहना गा। चल देखते हैं जो नौकरी मिल जाए तो सब तो वधिया। कोई ना भाभी तू वाहेगुरु अगे अरदास करया कर भी बाई नूं वधिया नौकरी मिल जाए। अनमोल मैं की करा कली जनी, मैं तो अरदासा बथेरिया करन दिया पर मम्मी तो तुहानूं पता ही आगा। कोई ना तू मम्मी दी नवाली फिक्र करया कर। चल बाकी जो वाहेगुरु नूं मंजूर जिहड़ा कुछ ऊ देखी जाऊगा। भी मेरा पुत हुण लोकां दी गुलामी करदा फिरूगा, मैनू समझ नहीं आती मैनू दिक्कत की है इस घर में, किसी चीज़ की कमी है, कोई उन्हें रोकता नहीं, कोई उन्हें टोकता नहीं, इन्हें मेरे पुत नू दुखी किया पिया। ओ मां गल कमी की नहीं हैगी, गल हैगी है सैल्फ रिस्पैक्ट की। भाभी नू नहीं चंगा लगता होना भी बाई तेरे को माड़ी माड़ी गल ते हाथ अड्डे तेरे मूहरे ना। हाथ अड्डन नू मैं कड़ा सत्त बगानी है, जे तुसी दोहां भरावां ने मेरे तो नहीं खर्चा मंगना ना होर किहदे तो मंगना, दुखी कर छड्डिया। मां की दुखी कीता पिया, तू तो हाथ धो के मगर पै गई भाभी दे। हाथ धो के मगर पैण नू की आ, तू ही ओदी बोली बोलदा, सब ओदा कीता कराया आ, ना ओह रस के पेके घर जांदी, ना सत्था पंचायतां हुंदियां ते ना आ कुछ हुंदा। मां देख नौकरी तो मैं भी करदा, जे बाई नौकरी कर लूगा फिर की लोड़ा आउंदा, नौकरी तो सारे नू करनी पैंदी है। भाई मैं नहीं कहिंदी थानू नौकरी करो, थोड़े प्यो दी जमीन है उन्हूं सांभो संभालो, ना कर नौकरी, ना करे टोनी, ना कर तू, एक तो मजबूर कर दी नौकरी करने नू। मां मेरी गल सुन, जमीना कितें भज्जियां जांदियां, जे नौकरी कर लांगे थोड़े होर होर सौखे हो जांगे, तू तां एवें हाथ धो के मगर पै जानी उन्हां दोनों दे। सही कहा मम्मी वीर जी ने, तुसीं ना उन्हां दी तरक्की च रोड़ा ना बनो। नी जा जा कम कर, रोड़ा बनदियां उत्थे मैं, तुसीं दोनों देर पर जा इको बोली बोलदे हो, दफा होवे इत्थों। चल भाभी चली गई अंदर। मैनू मत्ता दिंदे ने, मैनू नहीं मत्ता दिंदे। लै दस मैं की माड़ी गल करदी हां, मैं इहो कहा भी अपने प्यो की जमीन संभालो है, बे जरूर लोगों की गुलामी करनी है 20,000 ते इन्ना सानू साल का ठेका आउंदा, आए बड़े मैनू मत्ता देने वाले।
कर लिया मम्मी काम कर और कर ले ले आया ठेका आ ले ठेके दे पैसे अच्छा पूरे ने हां मम्मी पूरे है ठेके गिन के ले आया हां हां गिन के ले आया अच्छा ऐ कर आ थोड़े से तू खर्चा रख ले मेनू लोड नहीं हुन मम्मी ये पैसे दी लोड नहीं क्यों मेनू नौकरी मिल गई हुन मैं अपने आप कमाऊंगा चल कोई नहीं वो भी खर्चा कर ले जेड़ी आप कमाई करूंगा आ ता पढ़ ले रख ले नहीं नहीं मम्मी मेरे लोड नहीं है पैसे दी कमाल हो गई मेरे दिते पैसे आनो मुकर गया ले कंधा मेनू लोड ही नहीं मम्मी तू रख ले आज ता ही मेरे पैसे दिते हुए मोड़दा खोरे ही कलैनी होर की करवाऊंगी अगे मेनू ना इहदी अकल टिकाणे लियाउणी पैणी आ इनू दसना पैना कि पैसे नाल ही सब कुछ खरीदया जा सकता कोई नहीं थोनू तो मैं दस दिया जिहड़ा इहने मेरे मुंडे नू ना इत्थे तक लियांदा पता नहीं की ता बणिया होणा अज की ना उहनां दी तां अजे तक कॉल भी नहीं आई कोई पता किवें करां मैं टेंशन ते टेंशन बस आगे जी तुसी नौकरी का की बनिया पहला तू ना गुड़ दी डली ना मुंह मीठा करा मुंह मीठा करा मतलब तन्नू नौकरी मिल गई हां परवीन मेनू नौकरी मिल गई सच्ची आ रहे तुसी हां परवीन चलो शुक्र है वाहेगुरु दा नौकरी तो मेनू मिल गई पर तनख्वाह तो घटी है पर मैं तेरी खुशी लिए हां के आया गल सुनो जी मेनू तनख्वाह ना मतलब नहीं मैनू तो सिर्फ तुहाडे नाल मतलब नाले वैसे भी जिहड़ी अपनी हक की कमाई हुंदी है ना बेशक दी थोड़ी होवे पर चंगी हुंदी है जे तू मैनू गलती दा एहसास ना ना कराउंदी तां पर मैं कदे भी नौकरी ते नहीं लगना सी नौकरी तां छड्ड मैं किसे काम बारे भी नहीं सोचना सी चलो फिर की हो गया जी वैसे भी ना मैं अपने आने वाले कल नू सोच के सब कीता नाले मैनू माफ कर दे तैनू लोकां तों ना हुण ताने वेले सुणन नू मिलणगे ला दस जी ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਮੈਂ ਗੁੱਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਭੈਣ ਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਬਸ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਸਕੁਟ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ हां हां करना अनमोल दा रिश्ता दसो जे को थोड़ी निगाह च कुड़ी हैगी है अच्छा की करदी है पढ़दी है चल कोई नहीं पढ़ी जावे सानू एदे नाल की है ब्याह तो बाद भी पढ़ लवे कोई नहीं कोई नहीं बस तुसी आहा गल उहनां नूं कहो ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਵੇ ਪਰ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਜਮਾਂ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰੇ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਵਾਧੂ 25-26 ਕਿੱਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੰਨੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ 13 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧੀ ਦੇ ਦਿਉ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਬਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤੋਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨੌਹਾਂ ਧੀਆਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨ ਆ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਰਨ ਨਾ ਭਾਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਨਾ 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 ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀਆਂ 10 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਮੈਨੂੰ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਊਂਗੀ ਨਾ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਤੋਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆ ਕਰਿਓ ਆਥਣੇ ਫੋਨ ਹੈ ਚੰਗਾ ਲੈ ਚੱਲ ਜੇ ਮੰਨ ਜਾਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਨਜਿੱਠੀ ਜਾਊਗੀ ਮੇਰਾ ਅਨਮੋਲ ਵੀ ਵਿਆਹਿਆ ਜਾਊਗਾ
चल ठीक है फिर मम्मी मैं चलता है। चल कोई नहीं होता जा अब तो अपने बारले बेड़े बच्च गड्डी खड़ी है इन्नी गर्मी है गड्डी चले जांदा। ओ ना कोई ना मम्मी मैं आप ही भाग जाऊंगा। आ टिफिन ले जाओ जी। ले ये तो मैं भूल ही गया सी। चल कोई नहीं ख्याल ना जाई। चल ठीक है मम्मी मैं जाना। ध्यान ना जाओ जी ऑल द बेस्ट। ठीक है ऑल द बेस्ट। ठके दी जनाबी मगर लग के मेरे पुत नूं लोकां दी गुलामी करनी पै रही है। इन्नी जमीन जायदाद होने के बावजूद भी मेरा पुत लोकां दी गुलामी करदा एक इहदे करके। चल देर नाल ही सही घट्टो घट इन्हां नूं समझ तां आई हुण ते भी बहुत खुश होणगे अपनी आप कमाणगे। आगे जी तुसी की सोची है परवीन? कुछ नहीं बस मैं तां ही सोच रही सी भी तुसी भी किन्ना खुश होंगे है ना। ले परवीन आज मैनू तनखा मिली है क्या ले मेरी पहली तनखा। सच्ची जी ए मैं की करनी ए तुसी अपने तू रख नाल तेरे लिए गिफ्ट लेके आए बहुत सोहना जी ता। आहो थोनू तां माँ ई दा भी नहीं पता लगा वे कोल आके माँ बैठी है नाले आही कह चाहुंदी सी तेरी तीवी बे मेरे हाथ ते लिया के रुपये धरे मेरी प्रधानगी होवे इस घर विच। ओ क्यों मम्मी गर्म हुन्नी है आ ले तेरे वास्ते ही पहली तनखाह चो सूट लेके आया है। ठीक है सूट तां वधिया जिहड़ा लैण दा पुत मैं तेरे नाल इक गल करनी है। हां बोल मम्मी की गल करनी है। देख पुत तू अपनी जिद पगा ले है ना बे मैं नौकरी करनी है एक महीना नौकरी कर ली तनखाह मिल गई देख लिया ना लोगों का गुलामी करने का की रंग है पुत हुण तू नौकरी छड़ दे। ला मम्मी जी ऐ किवें नौकरी छड़ देने तू चुप कर नहीं साडे मां पुत की गल च ना बोल साडे मां पुत की गल च रोड़ा ना बन सानू गल करन दे। ओ कोई ना मम्मी कर लैंदे मैनू नौकरी हुण मैनू कामयाब हो लैंदे हुण ना रोक। पुत तू तो पहले कामयाब हां किहो जिहियां गल्लां करदा है ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ। ਉਹ ਮੰਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਧੁੱਪ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਰ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਅਤੇ ਧੁੱਪ 'ਚ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਸ ਮਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਪੁੱਤ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇੰਨਾ ਠੇਕਾ ਆਉਂਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਤੁਰ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਤੇਰਾ ਬੋਲਣਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਘੋਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਉਹ ਮੰਮੀ ਇਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਗਾ ਨਾਲੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਘੋਲ ਕੇ ਪਿਲਾਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾ ਉਨਾ ਕੁ ਰੱਖ ਫਾਲਤੂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਹੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਓ। ਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਪੱਟੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਇਹਨੂੰ ਪੱਟੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦੇ ਦੀ ਆਈ ਆ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਟੋਨੀ ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲੈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ 10,000 ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰੂੰਗਾ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾੜੀ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਟੋਨੀ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨੌਕਰੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜੇ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 10,000 ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਠੇਕਾ ਇੱਕ ਫੁੱਟੀ ਕੌਡੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ। ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅੱਡ ਕਰੋ ਗੁਜ਼ਾਰਾ 10,000 ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਚੱਲਦਾ।
मैं चले इथो तड़के तड़के बंदे का ना दिमाग खराब कर दें करवा ला होर सब कुछ तू ही करवानी है मैं दसो मम्मी जी च की करता तेरा नौकरी वाला हताव मैं ना तोड़िया ना तू भी मैनू कही ना फिर धक्के खाऊंगी धक्के ओ मां आ की कही जानी है तू ले पर तू आ गया बाजी ते तेल पाउन तू भी दस दे वे इन्हां नाल रहना कि मेरे नाल रहना मां मैं तो इन्ना ना रहूंगा मैथों नहीं किसी गलत बंदे ना रहा जाता शाबाशे देख दी हाँ दस हजार बच्चे की करते ने अपनी कबीलदारी संभाल देने कि तेरे खर्चे पूरे कर देने कि घर रोटी पानी करनगे मां मेरी गल सुन ला लोग ना पांच पांच हजार च भी गुजारा कर लेंगे अस तो फिर भी दस दस हजार कमाने दोनों भरा सही कहा तुसी वीर जी नाले मम्मी जी हुण ना तुसी किसी भी गल की टेंशन ना लो खास करके साडी टेंशन तां तुसी छड़ दो सानू सब पता सी की करना ते की नहीं करना ले की करना की नहीं करना ये ज्यादे प्रधान आ गई ना तू भी भुल गया मैं तेनू जमया पढ़ाया लिखाया पाल के बड़ा किया ते तू तू हुण इहदी बोली बोलदा खोरे मेरे दोनों पुत्तां दे की सिर तबीत घोल के पा रखे ने नहीं ते की तबीत घोल के पलाता मैं इहनां नूं दस्सियो मैनूं हुण तक ना सारे लोग इदां ही कहिंदे ने वी एडे एडे मुंडे हो रहे नेगे घरे वेहले बैठे ने हुण तक तुहाडे ही मानदे आए ने लोकां तों मैं तां नहीं मंगदी मंगदे तां नहीं लोकां तों अपने हिक दे जोर ना खवानी इहनां नूं बथेरा इहनां दे प्यो जमीन दे गया सानूं खाओ धक्के फुट्टी कौडी नहीं दिंदी थोनूं मैं हुण देखती है किन्ना कितना गुजारा करते हो तो कोई ना भाभी तू फिक्र ना करे सर मैं थोड़े नाल हां कोई ना 20,000 च बहुत कुछ हो जाता लोग तो 4,000 ते 5,000 ते भी गुजारा करी जांदे आ ओ कड़ा बंदे नहीं हैगे कोई ना सही कहा हम मौत रोटी है तीन टाइम दी रोटी तो आपां नूं मिली जाया करूगी चल कोई गल नहीं ते रोटी बनाई पई है मैं पा दूं बस भाभी मैं नहीं खानी रोटी मेरा तो भर गया ढिड ਚਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਮੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਭਾਬੀ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਛੱਡ ਭਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਆਪਦਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਬੈਠ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਐਵੇਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਗਾ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪਰਵੀਨ ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕੰਮ ਧੰਦਾ हाँ हाँ बस हो गया नाले मम्मी दा ना ध्यान रखी आज उन्हें कुछ नहीं खाता पीता तुसी ना फिकर ना करो मैं आपे खवा पिला दूंगी उन्होंने नाले वैसे भी ना हौली हौली मम्मी दा आपे गुस्सा टाल जूगा हाँ हाँ सही गल है तेरी गुस्सा तो आप ही ठंडा हो जूगा ते मैंने ना एक गलती ये समझ नहीं आती जी भी मम्मी जी थानू कुछ करने क्यों नहीं दिंदे तेनू भी पता परवीन मम्मी ने ना सानू लाड़ा जावा नाल पा लिया है घर च खुला होने करके ना समान ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਅਨਮੋਲ ਤਾਂ ਚੱਲ ਫੇਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮਨਾ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪ ਹੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜੂ ਮੰਮੀ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਹ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਘਰੇ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਤੇ ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਫੇਰ ਵੀ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਹਾਂਜੀ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਰੱਖੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਟਿਫਨ ਲੈ ਜਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋਨੇ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਤੇ ਟੋਨੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਮੰਮੀ ਜੀ ਆ ਲਓ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਹੈਗਾ ਚੱਕਲਾ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਚੱਕਲਾ ਰੋਟੀ ਆਪਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਅੱਡ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਅੱਡ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣੇ ਅੱਡ ਹੋਣ ਦੇ ਸੀ ਹਜੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਹਜੇ ਵੀ ਵਕਤ ਹੈ ਟੋਨੀ ਨੂੰ ਉਠਾਲਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਵਿਆਹ ਧੱਕੇ ਨਾ ਖਾਵੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੰਮੀ ਜੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਗਾ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਉਹੀ ਜਿੱਦ ਫੜੀ ਆ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਨਾ ਆਪਦੀ ਇਹ ਜਿੱਦ
अच्छा तू भी एदी बोली बोलन लग पिया, आज तो फिर एदी बोली बोलनी सी तू। ओ मां जे टोनी कुछ करदा है ओनू कर लैन दे, क्यों रोक दी है तू ओनू? ना मेनू बहुतिया मत्ता ना दे, आए वड्डे फिर रोटी मैं नहीं खांदी, नाले मैं जे लोड़ होगी ना आप पका के खा लूगी, जे आप भी ना पका के खा होई ना मेनू कोई जवाब नहीं दिंदा, चक ले रोटी दफा हो जा दोने जाने। छड बाबी आ जा, आप चली ना खान दे बेबे आ जा। आए वड्डे रोटियां लेके मेरे मुंडे मेरे तो दूर करके हुन मेनू रोटियां खवांदी है, ये जड़ियाँ चौस्तियाँ चलाकियाँ मेरे नाल कर दी ना, ये मैं चौस्तियाँ चलाकियाँ तेरे ना चलन नहीं देनिया। प्रवीण अनमोल मम्मी ने अज फिर नहीं रोटी खाधी, मैनू तो ऐं डर आ जे इन्हों नू पता लग गया कि ते मम्मी नू देख के फिर उन्होंने वाल झुक जाने। भाभी जिनी बाई नाल होगी ना मैनू पता वह नहीं हूँ झुकदा, तू कोई ना टेंशन ना लै ना खान दे बेबे नू रोटी, कर ला भाभी तू कम, तू खा ला मैं तो कहना रोटी। कोई गल नहीं मेरा कड़ा दिल करदा हर वक्त तक घर च क्लेश पिया रहिंदा। ओए तां चली जाना भाभी तू टेंशन ना लै, मैं ता खा ली भाभी तू खा ला कोई ना, जा मैं बैठना भाभी 10 मिनट। मम्मी दा गुस्सा पता नहीं कदों ढैला होगा, जिन्ना मर्जी कर ले कोई असर नहीं। ओह आ गए जी तुसी, हो पानी लिया मां? ना ना पानी तां बस, पानी तो मैं पी आया सीगा, ते मम्मी ने खाधी रोटी के खाधी नहीं? उन्होंने नहीं खाधी है की रोटी। चल ठीक है फिर मैं करदा मम्मी ना जाके गल। गल तो तुसी कर लियो पर प्लीज माड़ा जी नक देखियो कि तो उन्होंने गल्ला च ना जे तुसी। प्रवीण तू बेफिक्र रह, मैं मम्मी दी गल्ला च नहीं आऊंगा। चल देख लो जिवें तुहानू सही लगे। चल ठीक है फिर मैं करदा मम्मी ना जाके गल। ठीक है जी। ਕਿਤੇ ਮੰਮੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਠੀ ਪੜਤੀ ਪੜਾ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ। ਮੰਮੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ना, तेनु का दे फिक्र हो गई मेरी रोटी दी, जा तू मेरी गल ही नहीं मननी कोई। कोई ना मम्मी तू एक बारी रोटी खा ले फिर देख लांगे आपा की करना है। टोनी पुत मैं रोटी ता खा लूंगी पर तू मेरे सिर ते हाथ धर के। ए नहीं हो सकदा मम्मी, मैं लोका तो ना बहुत ताने मेरे सुन ले कि तू वेला रहना फोन नहीं मेरे तो सुने जाने। तू नौकरी छड़ दे पुत, तू क्यों नहीं समझदा मैं तेनु नहीं जर सकदी एदा धक्के खांदा देखदा। मम्मी ये नहीं हो सकता, नौकरी तो नहीं मैं छोड़ सकता। जब तू मेरे को गल ही नहीं मननी ना दफा हो जा इत्थों, कोई लोड़ नहीं मेरे सराहने आके पूछण दी। रोटियां रोटी खाधी है कि नहीं ले, पुछदा ड्रामे करदा अपनी रन मगर लग के। मैं तेनू ऐ कहता सीगा तू मेरे नाल चल, मैं तेनू डॉक्टर कोल लेके जाना। मैं डॉक्टर कोल नहीं जाना, हिम्मत नहीं हैगी डॉक्टर कोल जान दी, डॉक्टर नू इत्थे बुला ला। चल मैं फोन करदा फिर मां। की होए वीरे? मम्मी जी ठीक हो तुसी? हां इदा करो, अभी मैं डॉक्टर नू फोन करदा एक मिनट। हां मैं हैगी मम्मी नू मैं संभाल लेनी हैगी। मम्मी जी ठीक हो तुसी? हेलो हां जी अच्छी खबर है, ਉਹਨਾਂ ਬੇਬੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬਾਹਲੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓਗੇ ਘਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 20-25 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਆ ਜਾਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਠੀਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 20-25 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਆਉਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਘਰੇ। ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਭਾਬੀ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਤਾਂ ਪਿਆ ਇਹਨੇ, ਕੀ ਆ ਖੰਘ ਟੇਕ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਬੇਬੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਬੇ ਆਉਂਦਾ ਡਾਕਟਰ ਤੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਠੀਕ। ਬਾਈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੰਮੀ ਨੂੰ? ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਫੂਡ ਪੁਆਇਜ਼ਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਮੰਮੀ ਪਰਵੀਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮੋੜ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ। ਦੇਖ ਲੈ ਮਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਬਾਈ
मां नूं तां हजे वी ऐ लगदा वी इह पैसे नाल सारा कुछ खरीद सकदी है। क्यों मां, सही कहा ना मैं? मम्मी तुसीं ना गुस्सा ना करियो साडी गल दा, पर सच दसां ना, पैसे नाल बाजार च तुसीं सारा कुछ तां खरीद सकदे हो पर आ रिश्ते नहीं खरीद सकदे। ते नाले हां, असीं कल वी तुहाडे सी ते अज वी तुहाडे ही ने। नाले मम्मी तैनू साडी कमाई तो की इतराज है? जे डैडी भी 10 किलो तो 26 किलो बना सकते हैं मेहनत करके, तो असी क्यों नहीं कर सकते? जे नाले दादी भी उन्होंने आए कहते भी तू आए ना कर, तो फिर ये घर का की बनता? सही कहना मां भाई, हाँ जिहड़ियां गड्डियां दा ते आ पैसे दा तू मान करी बैठी है ना, ये साडे प्यो ने मिट्टी ना मिट्टी होगी कमाई है, तो हुण तू सानू ही कम करन तो रोक दी है। मैनू माफ कर दे पुत, तू भी परवीन मैनू माफ कर दे। मैनू हमेशा यही लगता सी कि इन्ना कुछ होने के बावजूद भी मेरे बच्चे किसी की गुलामी करनगे, था मैं नौकरी करन तो रोकती रही। मम्मी जी असी मानते हैं भी पैसा कमाना कोई सौखा नहीं, बहुत औखा, पर तुसी ये गल तो सुनी ही होनी भी जे बूंद बूंद नाल समुंदर भर देना तो उस बूंद नाल समुंदर खाली भी हो जाता। हाँ मम्मी सही कहती है परवीन, जे अज अपने को कुछ हैगा ना उहदी कदर करिए ना कि हंकार। मां पैसों नाल ना अपने का प्यार नहीं खरीदा जाता, जिथे अपने काम आते ना उथे आ पैसा नहीं काम आता। मैनू माफ कर दो पुत, मैं पैसे दे हकार च अन्नी हो गई सी, पर अज मेरी अखां खुल गई टोनी, मैं अज तो बाद थानू कदी नहीं रोकदी नौकरी करन तो। मम्मी जी रब जो भी करदा ना चंगे लई करदा गा, मैं यही नहीं कहती कि भी जेकर तुहाडे कोल पैसा तां मैं वरतूं, पर इन्ना अहंकार भी चंगा नहीं हुंदा, जे रब दे सकदा ना तो वो एक मिनट च लै भी सकदा। सही कहनी है परवीन पुत, मैं तो पता नहीं झूठा पैसे का माण करी बैठी सी, मैनू हुण समझ आ गई है, मेरी अखां खुल गई हैं, फिर जिथे अपने काम आते हैं ना उत्थे पैसा नहीं काम आता। साढ़े लिए तो यही बहुत है भी सू पैसा की रिश्तिया की कदर पता लग गई। कोई ना मां रो ना, तू चुप कर जा। बस मैनू माफ कर दो पुत। कोई ना मां, मैं अज तो बाद कदी नहीं थोनू रोकदी, तुसी जिवें मर्जी कमाओ, अज तो बाद मेरे पुत कमाउणगे ते अपने प्यो दी जमीन नूं होर अगे लैके जाणगे, अगे होर वधाउणगे। मां असी तां कदे तुहाडी गल दा गुस्से नहीं कीता। ठीक है पुत, ठीक है। अनमोल तूं वी आ जा। सत श्री अकाल जी सारिआं नूं, साडी वीडियो देखियो जरूर, लाइक शेयर ते कमेंट जरूर करियो, ते ए भी दस्यो वी केदी एक्टिंग किन्नी कु थानू वधिया लगी, ते जे को सुझाव होया ओदे बारे भी दस्यो, अग्गे सर दसणगे। बाकी आपदे पिंड दा नाम जरूर लिख लिया करो, सानू पता लगदा रहिंदा वी साडी वीडियो कित्थों कित्थों तक पहुंची है। ते भाई जी वीडियो नूं जरूर सपोर्ट करिया करो, ते जिन्हां ने अजे तक साडे चैनल सबसक्राइब नहीं कीता प्लीज साडे चैनल सबसक्राइब कर दिओ। बहुत बहुत धन्नवाद, सत श्री अकाल।